नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई रेसिपी वीडियो में दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाजर के पराठे गाजर के लच्छा पराठे जिसको ना ही मैंने घिसा है गाजर को और ना ही उबाला है तो देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है गाजर गाजर को छील करके इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है और फिर ले लिया है एक मिक्सर जार और मिक्सर जार में इन सभी गाजरों को डाल करके इसको पीस लेंगे एकदम बारिक सा पेस्ट हमको बना करके तैयार करना है ये भी तैयार नहीं है फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए दो से तीन चम्मच पानी डालेंगे और फिर एक बार इसको मिक्सी में घुमा लेंगे तो फिर एक बहुत ही अच्छा बारिक पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा अब ये देखिए ये बन कर के बिल्कुल तैयार है अब आगे का काम कर लेते हैं यहाँ पर आप लोग पास से देख लीजिए पेस्ट को बिल्... बिल्कुल पेस्ट ऐसा ही होना चाहिए अब ले लिया है बड़ा सा बाउल उसमें सारे पेस्ट को निकाल देंगे और फिर यहाँ पे ले लिया है एक कटोरी आटा अपनी ज़रूरत के अनुसार आटा कम या ज़्यादा कर सकते हैं कुछ हरे प्याज की पत्तियाँ ले ली हैं दो से तीन चम्मच इसमें डाल देंगे रिफ़ाइन ऑयल या घी और साथ के अनुसार नमक और फिर आधी चम्मच पीसी हुई लाल मिर्ची इन सबों को डाल करके बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लेंगे अभी हमको इसमें पानी ऐड नहीं करना है अगर ज़रूरत लगेगी तो पानी ऐड करेंगे ज़रूरत लगेगी तो पानी ऐड करते हुए इसका डो लगा लेंगे यहाँ पे देखिए थोड़े से पानी की आवश्यकता मुझे लगी है तो पानी डालते हुए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से गूथ लेंगे नरम मुलायम आटा लग के हमारा तैयार होगा और जितना सॉफ्ट आटा आप लगाएंगे उतने ही सॉफ्ट आपके मुलायम पराठे बनेंगे ये देखिए आटा मेरा लगभग लग के तैयार हो चुका है मसल मसल के मैंने इसको गूँथ लिया है अब यहाँ ढक के रख देते हैं इसको दो से तीन मिनट के लिए फिर आटे का पेड़ा तोड़ करके हाथों से गोल गोल करते हुए दोनों अंगूठों की सहायता से इसको बढ़ा लेंगे चकवा बना लेंगे अब चकले पे सूखा आटा लगा करके इसको रोटी से भी बड़ा हमको बेल लेना है जितना बड़ा आपका चकला है उतना बड़ा आप इसकी एक रोटी तैयार कर लीजिए बीच बीच में सूखा आटा लगाते रहिए यहाँ पे देखिए रोटी बन के तैयार है अब इसमें डाल दिया है एक से डेढ़ चम्मच रिफाइन ऑयल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं फिर सूखा आटा इस पर डस्ट करके इसको चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे अब एक ले लिया है चाकू चाकू से इसकी पतली पतली लेयर हमको काटनी है पतली पत्ति पतली -पत्ति पट्टियाँ काट लेनी है सारी पट्टी कट चुकी है और फिर इसको एक तरफ से इकट्ठा करते जाएंगे ये देखिए और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखिए और ये देखने में जितना सुंदर है दोस्तों खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट है आप यकीन नहीं मानेंगे गाजर का सीजन जाने से पहले एक बार इस तरीके से गाजर के पराठे आप लोग जरूर बनाइएगा और इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे देखिए लेयर चकवा देखिए इसका कितना अच्छा लग रहा है एक एक लेयर दिख रही है आपको अब सूखा आटा फिर से चकले पर डाल करके हाथों से इसको हल्का हल्का दबाते हुए बढ़ा लेंगे इस तरीके से और फिर बेलन से हल्के हाथों से इसको बढ़ा लेंगे ज़्यादा दबाइएगा नहीं नहीं तो इसकी लेयर दब जाएगी जो खुल रहा है इसको दबा देंगे अब देखिए पराठा बनके तैयार है ये दोनों तरफ से देखिए इसकी लेयर राउंड राउंड लेयर आपको दिख रही होगी तवा पहले से ही हीट है तवे पे डाल देंगे अपने गाजर के लच्छे पराठे को जैसे ही दूसरी तरफ से सिक जाए पलट देंगे फिर दूसरी तरफ चेक कर लेंगे हल्का सा पक जाए फिर इसमें तेल या घी लगा लें अपनी मनपसंद चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे फिर पलट के दूसरी तरफ भी वैसे ही तेल या घी पराठे के ऊपर लगा दें और फिर इसको दबा दबा के सेक लें इस तरीके से तो दोस्तों पराठे बहुत ही अच्छे बने थे बहुत ही स्वादिष्ट थे आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी वीडियो कैसी लगी यहाँ पे देखिए सारी लेयर आपको दिख रही है एक एक लेयर तो दोस्तों फिर मैं मिलूँगी एक ऐसी ही नई रेसिपी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को और कौन सी रेसिपी चाहिए मेरे चैनल पर